इस वीडियो में दोस्तों आप लोग का मैं बताऊंगा अपने गाड़ी में चालान है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करके देख सकते हो। दोस्तों आज के टाइम में बहुत लोग के गाड़ी में चालान है लेकिन उनको पता ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आज का चालान जो ट्रैफिक वाले जो ऑनलाइन में काट देते हैं। तो दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हो अपना चालान है या नहीं है, तो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों आपका गाड़ी में चालान है तो दोस्तों आप उसको कैसे ऑनलाइन पे कर सकते हो, ऑफलाइन पे कर सकते हो, उसके बारे में दोस्तों आप इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और दोस्तों आपका चालान करता है कैसे, दोस्तों आप कहीं जाते हैं तो अपना ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो दोस्तों वहाँ पर अपना चालान ट्रैफिक वाले काट देते हैं। और दोस्तों वहाँ पर ट्रैफिक वाले नहीं रहते, वहाँ पर कैमरा रहता है, ट्रैफिक वाले कैमरे के कैप्चर से दोस्तों आपका चालान कर देते हैं और ऑनलाइन में अपना मैसेज भी मोबाइल को भेज देते हैं। दोस्तों बहुत लोग जो है मैसेज देख के जान लेते हैं और अपना जो चालान पे कर लेते हैं, और दोस्तों बहुत लोग जो जान नहीं पाते हैं उनका चालान बाइक में कटा है नहीं कटा है, इसीलिए दोस्तों आप अपना चेक कर लिए अपना ये चालान है तो दोस्तों वहाँ पर आप पे कर देंगे। दोस्तों आप जब पे नहीं करेंगे तो ट्रैफिक वाले जो बहुत दिन के बाद, थोड़ा दिन के बाद, जो 3 महीने या 4 महीने का, 1 साल के बाद कितना टाइम रहता है उनका, उसके बाद दोस्तों वो जो है कोर्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। कोर्ट में फॉरवर्ड कर देंगे तो दोस्तों आप जो कोर्ट आपको घर को नोटिस भेजेगा, नोटिस भेजेगा तो दोस्तों आपको कोर्ट को जाना होगा। कोर्ट को जाने का फिर वहाँ पर अपना जो चालान पे करना होगा, वहाँ पर दोस्तों आप वैसे भी पैसा पे करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप अपना जो अभी से चालान चेक कर लीजिए अपना गाड़ी में है नहीं है, तो है तो दोस्तों आप पे कर देंगे तो ऑनलाइन में बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों आप कैसे पे करेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों आपको अपना जो है टैप ओपन करना है, टैप ओपन करने का दोस्तों आपको यहाँ पर जो सर्च करना है ई चालान परिवहन। जैसे दोस्तों सर्च करेंगे तो दोस्तों पहला लिंक आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो उस पर दोस्तों क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों उसका जो है साइट ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपना चालान यहाँ पर अपना चेक कर सकते हो। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में है चालान नंबर, आपको ये चालान नंबर दोस्तों आपको पता है तो यहाँ पर चालान नंबर डालेंगे। इसके यहाँ पर कैप्चर फिलअप करेंगे, गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका चालान यहाँ पर कटा रहेगा, तो आपके गाड़ी में तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसका दोस्तों आपको सेकेंड ऑप्शन में है व्हीकल नंबर, आप जो अपना व्हीकल नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसका लास्ट 5 चेसिस नंबर डालेंगे या लास्ट 5 इंजन नंबर डालेंगे, दोनों में कोई एक डालेंगे। इंजन नंबर या चेसिस नंबर जो अपना गाड़ी के आरसी में रहता है तो उसको एक कोई डालना है। इसका यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है, इसका गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जब भी वहाँ पर चालान कटा रहा है अपने गाड़ी में तो हमको पता चल जाएगा। और दोस्तों आपको जब व्हीकल नंबर में नहीं जान सकते तो आपका डीएल नंबर में जब भी आपका चालान कटा रहेगा तो आपको यहाँ पर डीएल नंबर आपका डालना है, इसका कैप्चा फिलअप करना है, गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो अपना जो डीएल अभी अब जब आपका चालान कटा रहा है तो डीएल पे तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे हमारा व्हीकल नंबर से हम चेक करते हैं। दोस्तों व्हीकल नंबर डालने का दोस्तों आपको यहाँ पर गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। गेट डिटेल्स पे जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे दोस्तों आपका देख सकते हो आपको नीचे अपना चालान गाड़ी में कितना यहाँ पर दिखा दिया। दोस्तों हमारे यहाँ पर चालान 3 है, हम यहाँ पर कुछ भी चालान अपना पे नहीं किए। दोस्तों आप जो रिसिप्ट में क्लिक करेंगे आपका चालान का ही क्लिक कटा तो वहाँ पर अपना डिटेल्स में पूरा जान पाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर जो रिसिप्ट में क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो पूरा फुल डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने दोस्तों आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना फोटो भी आ जाएगा, आपका चालान काहे के लिए कटा है और किस डेट पे कटा है और कितना फाइन कटा है पूरा आपको डिटेल्स में यहाँ दोस्तों आपको दिख जाएगा। यहाँ आपका फोटो भी दिखता होगा, आपका गाड़ी नंबर या आपका चालान नंबर सब कुछ जो रिसिप्ट में दोस्तों आपको जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों इसको हम जो यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का दोस्तों हमको यहाँ पर जो जाना है पे नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों हम जो अपना चालान पे करेंगे दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने दोस्तों आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, जो आरसी में वो नई मोबाइल नंबर डालेंगे भी वहाँ पर यहाँ चलेगा। दोस्तों आप कोई नंबर मोबाइल नंबर डाल के यहाँ वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर दोस्तों डालते हैं। मोबाइल डालने का दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सेंड ओटीपी पे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे जो नंबर एंटर किया उसी नंबर में ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने का दोस्तों आपको यहाँ पर ओटीपी में सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट में जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट में क्लिक करके यहाँ पर जो IFMS पे जो क्लिक करेंगे। क्लिक करने का दोस्तों आपको यहाँ पर जो है एग्री कंडीशन जो है एक्सेप्ट करके इसके बाद कंटिन्यू पे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे जो है नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आप आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन जो है ओपन होकर आ जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर UPI से, आप नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से किसी भी कर सकते हो। तो हमें आप UPI से करते हैं, UPI पे क्लिक करें। इसका दोस्तों एक्सिस बैंक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता है। एक्सिस बैंक जैसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है एग्री कंडीशन आपसे करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है। दोस्तों कैप्चा फिलअप करने का बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना जो कैप्चा फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों हम कैप्चा फिलअप करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ओके करना है, वार्निंग जो है आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने का दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन। तो दोस्तों आप यहाँ पर किससे पेमेंट करना चाहेंगे, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम, आप किसी से भी दोस्तों यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेटीएम में करेंगे तो पेटीएम के यहाँ पर जो है UPI ID डाल देते हैं।
यूपीआई आईडी डालने का दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट पे यहाँ पर जो मेक पेमेंट नीचे है दोस्तों, आप उसको क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट नीचे जो है दोस्तों, यहाँ दोस्तों आप क्यूआर कोड को भी ओपन करके यहाँ पर पे कर सकते हैं स्कैन करके। तो मैं यूपीआई आईडी डाल के सब पे करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेक पेमेंट जैसे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन जाएगा, 5 मिनट का दोस्तों टाइम रहता है, 5 मिनट के अंदर जो है आपको यहाँ पर पे करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना जो है पेमेंट कम्प्लीट करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा जो यहाँ पेमेंट जो है कंप्लीट हो गया है दोस्तों। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पर जो पेमेंट का रिसीप है उसको यहाँ पर सेव करके रख लेना है, डाउनलोड करके दोस्तों यहाँ पर रख लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना जो प्रिंट है डाउनलोड करके यहाँ पर रख लेते हैं रिसीप। तो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर PDF करके दोस्तों यहाँ पर सेव पे क्लिक करके हम यहाँ पर अपना जो PDF है सेव करके रख लेते हैं दोस्तों। अभी अपना जो है पेमेंट यहाँ पर का जो पेमेंट रिसीप आप सेव करके रख लेंगे। तो हमें दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर व्हीकल नंबर मार के गेट डिटेल्स पे दोस्तों क्लिक करके आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट वेरीफाई आपको करना है दोस्तों, आपका यहाँ पर पेमेंट पे देखिए नीचे वेरीफाई दिखता है, तो वेरीफाई पे दोस्तों क्लिक करेंगे, आपका जो वेरीफाई दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ओके कर देंगे। ओके करने का दोस्तों आपका जो पेमेंट रिसीप है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो पेमेंट है यहाँ पर रिसीप सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इसी तरह अपना जो है पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। आपको यहाँ पर फिर से आएंगे ओपन करेंगे तो गेट डिटेल्स पर देखिए आपका जो पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है, डिपॉजिट ऑनलाइन पे दोस्तों आपका यहाँ पर जो है चालान पे हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इसी तरह अपना जो है चालान पे कर सकते हो दोस्तों, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।